वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के हेवरी में शनिवार को एक रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए पूछा कि हिंदुस्तान की जेल में बंद मसूद अजहर को किसने छोड़ा। राहुल ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी पुलवामा हमले की बात करते हैं तो देश की जनता को ये क्यों नहीं बताते कि इस हमले की साजिश रचने वाले जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर को बीजेपी के नेता ही कंधार छोड़कर आए थे। कुछ दिन पहले पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं। मेरा प्रधानमंत्री से छोटा सा सवाल, इन सीआरपीएफ के शहीदों को किसने मारा? जैश ए मोहम्मद के चीफ का नाम क्या है? हिंदुस्तान की जेल से मसूद अजहर को पाकिस्तान किसने भेजा? क्या बीजेपी की सरकार ने इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जेल से निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा, कांदाहार नहीं भेजा था? क्या उसी जहाज पे आपने जसवंत सिंह को और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं भेजा था? एचएल को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 526 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज खरीदा जा रहा था। एचएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, मिराज, सुखोई, मिग, जैगुआर सब हवाई जहाज बनाए। अनिल अंबानी ने एक भी हवाई जहाज नहीं बनाया, जिंदगी में नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर के साथ अनिल अंबानी फ्रांस जाता है उनके डेलीगेशन में। डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम एक तरफ नेगोशिएशन कर रही है, दूसरे तरफ पीएम ऑफिस प्रधानमंत्री जी नेगोशिएशन कर रहे हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे साफ बता दिया कि एचएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदना, 1600 करोड़ रुपए में खरीदना है। सीबीआई डायरेक्टर को 1:30 बजे रात को निकालते हैं, वो इंक्वायरी करने जा रहा था, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी सीबीआई डायरेक्टर को हटाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इसको वापस लाओ। कुछ ही दिन बाद, घंटों में, नरेंद्र मोदी फिर से सीबीआई डायरेक्टर को निकाल देते हैं।